दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है स्वर्गवासी माँ के जादुई बर्थडे केक और पिज्जा की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। रेड्डीपुर नाम के एक गांव में सुहानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी माँ शीतल के साथ में रहती थी। उसकी माँ मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। उनके घर की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन शीतल फिर भी सुहानी को स्कूल में पढ़ाती थी और उसको पढ़ाई के लिए जो भी चीज चाहिए होती थी वो उसको लाकर दे देती थी। सुहानी भी अपनी माँ की तकलीफों को समझती थी और वो कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। उसके पास जितना है उतने में ही वो खुश रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुहानी अपने कमरे में बैठकर अपने फटे हुए कुछ कपड़े सिल रही थी, तभी वहाँ पर उसकी माँ आई और आकर उसने कहा, अरे बेटी क्या कर रही हो, कब से बुला रही हूँ तुझे, लेकिन तू बाहर ही नहीं आई। मैं कब से खाना निकाल कर बैठी हुई थी। वो माँ, कल स्कूल में फंक्शन है ना, इसीलिए मैं अपने कपड़े सिल रही हूँ। मुझे ये वाला ड्रेस पहनना है, लेकिन ये थोड़ा सा फट गया है। सुहानी की ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हो गई। फिर सुहानी की माँ शीतल ने सुहानी से कहा, बेटी मैं तुझे कुछ नहीं दिला पाई, फिर भी तू कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है। माँ, आप पूरे दिन भर मेहनत मजदूरी करती हो और वहाँ से जो भी पैसे मिलते हैं वो पैसे आप मेरी पढ़ाई में खर्च कर देती हो। माँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, आप मुझे जितना देती हो मैं उतने में ही बहुत खुश हूँ। सुहानी की ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई और फिर वो दोनों एक साथ खाना खाने बैठ गई। अगले दिन सुबह होने पर सुहानी अपने पुराने कपड़े पहनकर स्कूल गई। उसके कपड़े बहुत जगह से फटे हुए थे और उसने कुछ जगहों पर सिलाई कर रखा था। ये देखकर उसकी सहेलियां उस पर हंसने लगी। अरे ये भिकारन कैसे अंदर फंक्शन में आ गई, इसको किसने अंदर आने दिया। अरे ये तो हमारे स्कूल की सुहानी है, दिख नहीं रहा, पुराने कपड़ों को ये नए कपड़े बनाकर लाई है। हाँ इससे दूर रहते हैं, अगर किसी को पता चल गया कि ये हमारी सहेली है तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अपनी सहेलियों की ये बातें सुनकर सुहानी एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसने पूरे फंक्शन में किसी के साथ भी बात नहीं करी और फंक्शन खत्म होने के बाद वो दुखी होकर घर वापस आ गई और आकर अपने कमरे में दुखी होकर बैठी थी। सुहानी को ऐसे दुखी देखकर उसकी माँ उसके पास आई और उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, जब से तुम स्कूल से वापस आई हो तब से तुम ऐसे गुमसुम से बैठी हुई हो, क्या हुआ, तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या। अपनी माँ की बात सुनकर सुहानी जोर जोर से रोने लगी। फिर सुहानी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। ये सुनकर उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी तू अपना दिल छोटा मत कर, 4 महीने बाद तेरा जन्मदिन आ रहा है, मैं अभी से पैसे जमा करके तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए एक सुंदर सा बर्थडे केक, खूब सारे पिज्जा और नए नए कपड़े लेकर आऊंगी। इतना कहकर उसकी माँ ने सुहानी को गले लगा लिया। अपनी माँ की ये बात सुनकर वो भी बहुत खुश हो गई और उस दिन से वो अपने जन्मदिन के आने का इंतजार करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन सुहानी घर पर काम कर रही थी कि तभी किसी ने आकर उसे बताया कि उसकी माँ जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर एक बिल्डिंग गिर गई है और उस बिल्डिंग के नीचे आ जाने से उसकी माँ शीतल की मौत हो गई है। ये सुनकर सुहानी बिल्कुल टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ आप मुझे छोड़ कर कहाँ चली गई, माँ अब से मैं अकेले कैसे रहूँगी माँ। ऐसे ही दिन निकलने लगे। सुहानी ने स्कूल जाना और सबसे बात करना बंद कर दिया और उसने अपने आप को घर में भी बंद कर लिया था।
उसको ठीक से दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। ऐसे ही देखते देखते 2 महीने निकल गए और उसका बर्थडे भी आ गया। बर्थडे वाले दिन वो अपनी माँ को याद करने लगी और अपनी माँ की फोटो के आगे खड़ी होकर बोली, माँ आपने कहा था आप मेरे बर्थडे के दिन केक और पिज्जा लेकर आएंगी, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया ना माँ। सुहानी ऐसा बोलकर रोने लगी और रोते रोते उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उसके कमरे के अंदर उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सुहानी ने देखा कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी हुई है। ये देखकर उसके होश उड़ गए और तुरंत ही वो खड़ी हो गई। पहले उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी उसकी माँ बोली, क्या हुआ बेटी, तुझे क्या लगा, मैं भूल गई हूँ, आज तेरा जन्मदिन है, ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। सुहानी जब अपने बेड की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसके लिए एक सुंदर सा बर्थडे केक और ढेर सारा पिज्जा रखा हुआ था। माँ आपको याद था क्या, ये बर्थडे केक और पिज्जा मेरे लिए ही है ना? हाँ बेटी, ये बर्थडे केक और पिज्जा तुम्हारे लिए ही है, और ये कोई साधारण बर्थडे केक और पिज्जा नहीं है, ये एक जादुई केक और जादुई पिज्जा है। इस केक और पिज्जा में अनोखी जादुई शक्तियाँ हैं। ये बर्थडे केक कितना भी खाओगी ये कभी भी खत्म नहीं होगा, और तुम इस केक से जो भी मांगोगी तुम्हें वो भी मिलेगा, और ये पिज्जा तुम्हें धन दौलत देगा। ये लो इस केक और पिज्जा को तुम अपने पास रखो, मेरा अभी जाने का समय हो गया है। अपनी माँ की ये बातें सुनकर सुहानी खुशी से उछलने लगी और उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप कहाँ जा रही हो, माँ आप मेरे साथ ही रहिए ना, माँ प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। नहीं बेटी, मैं अब किसी और दुनिया में रहती हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओके बाय बेटा। ये कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है कि तभी उसके फटे पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल जाते हैं। उसके बाद सुहानी अपना बर्थडे केक काटती है और उसने बर्थडे केक से कहकर अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े और सैंडल मंगवाए और उसके सामने बहुत सारे कपड़े और सैंडल प्रकट हो गए। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और खुशी से नाचने लगी। उसके बाद से उसको जो भी चाहिए होता था वो उस जादुई बर्थडे केक और पिज्जा की मदद से उसको मिल जाया करता था। उस दिनों में सुहानी बहुत ज्यादा अमीर हो गई और उसने अपने पैसों से गांव के अनाथ बच्चों के लिए एक बड़ा सा स्कूल बनवाया, जहां पर सभी लोग फ्री में पढ़ाई करने लगे और वहां सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। उस दिन के बाद से सुहानी सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगी। लाल नगर में सिमरन अपनी माँ कामिनी के साथ रहती थी। सिमरन बहुत ही नेक और एक ईमानदार लड़की थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक बार की बात है, कामिनी अपने साथ सिमरन को भी अपनी मालकिन के घर लेकर जाती है, क्योंकि आज उनके घर पर एक फंक्शन हो रहा था जहाँ पर सिमरन और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। अरे माँ ये हो क्या रहा है? बेटा आज मालकिन की बेटी रितु का जन्मदिन है, उसी की पार्टी है। माँ ये जन्मदिन क्या होता है, आपने तो कभी ऐसे मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। मेरा जन्मदिन कब आएगा माँ? क्या मेरे जन्मदिन में भी इतने सारे लोग आएंगे? क्या मैं भी रितु के जैसे फ्रॉक पहनूंगी माँ? बताओ ना माँ, बोलो ना। बेटा ये सब हमारी किस्मत में नहीं है, ये सब तो बड़े लोगों के लिए है, हम गरीब लोगों के लिए नहीं। हम गरीबों को तो एक वक्त की रोटी भी मिल जाए
हमारे लिए वही बहुत है। ऐसा क्यों है माँ? आखिर हम भी तो इनकी तरह इंसान है ना? फिर हम क्यों इनकी तरह अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते और मौज मस्ती नहीं कर सकते? उसके बाद सिमरन फूट फूट कर रोने लगती है। फिर सिमरन की माँ किसी तरह सिमरन को समझा कर उसे घर लेकर जाती है, लेकिन सिमरन के दिमाग में यही सब चलते रहता है और फिर वो सोचते सोचते अकेले ही जंगल में चली जाती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है, आखिर हम इतने गरीब क्यों है ऊपर वाले? क्यों रीतु के माँ बाप के पास ही पैसा है? क्या सिर्फ अमीर लोगों को ही खुश रहने का हक है? काश मेरे भी पापा जिंदा होते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। सिमरन ऐसा कहकर रो ही रही थी कि तभी उधर से एक टिंटिन परी आ रही होती है और वो सिमरन को यूँ उदास देखकर उससे पूछती है, अरे सिमरन तुम इतनी उदास क्यों हो? बताओ क्या हुआ? सिमरन अचानक परी को देखकर डर जाती है और डरते डरते सिमरन परी से पूछती है, आप कौन हो और क्यों मेरे पास आई हो? सिमरन डरो नहीं, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने तुमको यहाँ उदास देखा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। बताओ ना क्या बात है? परी जी, आखिर हम गरीबों के साथ ही इतनी नाइंसाफियाँ क्यों होती है? क्यों हम अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते? ऐसा क्यों है परी जी? बस इतनी सी बात से उदास नहीं होते सिमरन, ये लो जादुई परियों वाली फ्रॉक। और हाँ, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, तुम इस जादुई फ्रॉक से जो कुछ भी मांगोगी ये जादुई फ्रॉक तुम्हें सब कुछ दे देगा। जादुई फ्रॉक देखकर सिमरन बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो जादुई फ्रॉक लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर जैसे ही वो जादुई फ्रॉक पहनती है तो वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। खुद को आईने में देखकर वो बोलती है, अरे वाह, परी की बात तो बिल्कुल सच निकली, मैं तो एकदम खूबसूरत हो गई हूँ, बिल्कुल परी की तरह। फिर सिमरन अपने जादुई फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए। तभी उसके सामने एक खूबसूरत सा घर बनकर तैयार हो जाता है। अब सिमरन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर सिमरन अपनी माँ को सारी बात जाकर बताती है, जिससे उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है। सिमरन उस जादुई फ्रॉक को पहनकर बाहर निकलती है और अपनी सहेलियों को दिखाने लगती है, श्रुति मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन रातों रात ये सब कुछ तुम्हारे पास कैसे आ गया? तुम्हें ये फ्रॉक किसने दिया है, ये तो बताओ। अरे वो सब छोड़ो, अब मैं पहले की तरह गरीब नहीं रही। आज शाम को मेरे घर पर पार्टी है, तुम सबको मेरे घर पर आना है। क्या पार्टी, वो भी तुम्हारे घर पर? तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? आज शाम को मेरे नए वाले घर पर आ जाना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। शाम को सिमरन की सहेलियाँ सिमरन के नए वाले घर को देखती हैं, तो वो सब चौंक जाती हैं। और उस घर में जब जाती हैं, तो पार्टी की तैयारियों को देखकर वो लोग दंग रह जाती हैं। आखिर इस भिखारन के पास इतने पैसे कहाँ से आए? किसने इतना अच्छा घर बना लिया और सबको पार्टी भी दे रही है? कुछ तो गड़बड़ है, पता तो करना ही पड़ेगा। श्रुति चुपके से सिमरन को जादुई फ्रॉक से खाना मांगते हुए देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये सब इस जादुई फ्रॉक की वजह से ही हो रहा है। इसका मतलब ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, बल्कि कोई जादुई फ्रॉक है। फिर श्रुति के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रात को चुपके से सिमरन के घर से उस जादुई फ्रॉक को चुरा कर अपने घर पर ले जाती है। अगले दिन जब श्रुति उस जादुई फ्रॉक को पहनती है
तो वो बिल्कुल बदसूरत हो जाती है। जब वो अपने आप को शीशे में देखती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ये मेरे चेहरे को क्या हो गया, मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये क्या हो गया? फिर उस जादुई फ्रॉक से एक आवाज आती है, लालची लड़की, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ, तुमने मुझे चुरा लिया और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा। इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खराब फ्रॉक बन गया हूँ और मैं तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो जादुई फ्रॉक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे पहले जैसा कर दो, प्लीज। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है, तुम्हारी गलती की अब यही सजा है। इतना सुनकर श्रुति गुस्से से उस जादुई फ्रॉक को उतार देती है और उसे एक मैदान में ले जाकर उसमें आग लगा देती है और हमेशा के लिए बदसूरत बनकर रह जाती है। लेकिन उस जादुई फ्रॉक को कुछ भी नहीं होता और वो हवा में उड़ता हुआ सिमरन के घर पर वापस चला जाता है। अब सिमरन के पास आज सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, घर, और वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन एक साथ गुजारने लगती है।